हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे मौसम विभाग के बारे में। मौसम विभाग ने भारत के कई बड़े क्षेत्रों में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जो कि विशालकाय तूफान की चेतावनी को लेकर जारी हुआ है। आपको बताएं तो मौसम विभाग ने कहा है कि 19 से 22 मई तक एक भीषण तूफान आ सकता है, जो कि बेहद ही खतरनाक हो सकता है। और इसी को लेकर मौसम विभाग ने आप सभी को सावधानी पूर्वक रहने को कहा है और सभी को चेतावनी भी दी है। तो अभी इसी के बारे में हम बात करेंगे और आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी देंगे कहां कहां पर मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है और कहां कहां पर सभी लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। तो आपको पूरी की पूरी तूफान की और मौसम विभाग की रिपोर्ट दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो भी पूरा का पूरा ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखते रहिए, ताकि आपको एक एक बात सही तरह से समझ में आ सके और सही तरह से जान भी सके। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी करना चाहते हैं कि यदि आप मौसम विभाग से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसके लिए आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाना है। और जैसे आप सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो पास ही में आएगा एक घंटी का निशान, उसको भी आपको जरूर दबाना है, ताकि आपको मौसम विभाग से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इसी के साथ आप इस वीडियो को अपना सपोर्ट दे दीजिए, जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा। लाइक करने से आपका सपोर्ट वीडियो को मिल जाएगा और शेयर करने से आपके भाई बहन मित्र जो भी है वो इस वीडियो को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अपना लाइक और शेयर देकर अपना सपोर्ट भी दे दीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूरी की पूरी जानकारी के बारे में। तो मौसम विभाग की तरफ से आगामी दिनों के लिए एक बहुत बड़ा हाई अलर्ट और चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि 19 से 22 मई तक कुदरत अपना कहर बरपा सकता है और मौसम अपना पूर्ण रूप से मिजाज बदल सकता है। देखते हैं कहां कहां पर मौसम की करवटें बदलने जा रही और कहां कहां पर मौसम जो है भयंकर तूफान ला रहा। तो चलिए देखते हैं पूरी की पूरी जानकारी। तो उत्तराखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की गई है और कहा गया है कि अगले जो 48 घंटे होने जा रहे हैं वह बेहद ही खतरनाक हो सकते हैं उत्तराखंड राज्य के लिए। आपको बताया तो उत्तराखंड राज्य में अलर्ट जारी किया गया और कहा गया है कि बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है 19 और 20 मई तक। कहा यह भी गया है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी आ सकती है, जो कि काफ़ी भयावह हो सकती है। आशंका यह बताई गई है मौसम विभाग के द्वारा और एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 19 और 20 मई को 48 घंटे तक बारिश हो सकती है और कहीं कहीं जगह पर ओलावृष्टि भी आ सकती है। बताया गया है कि इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के बीच कई जगहों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। यह भी बताया गया है कि यहां पर जो गर्मी चल रही है उससे राहत भी देखने को मिल जाएगी इस तूफान आंधी से। तो ये बात आई है उत्तराखंड राज्य के लिए और कहा गया है कि जिस प्रकार शाम यानी शनिवार शाम को तापमान में 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई थी, उसी प्रकार आज भी गिरावट देखने को मिल सकती है 2 दिनों में। तो ये बात आई है उत्तराखंड राज्य के लिए और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि रविवार को प्रदेश भर में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। तो आशंका ये बताई गई है मौसम विभाग के द्वारा और कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना दर्ज की गई है। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं राजस्थान के इलाकों की। तो राजस्थान में भी हल्की बारिश के आसार बताए गए हैं और बारिश की वजह से तापमान में 1 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। तो ये राजस्थान के लिए बात कही गई है और आपको बताया तो राजस्थान के अलावा भी कुछ बड़े इलाकों में हाई अलर्ट जारी की गई है। तो चलिए देखते हैं कहां कहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के अलावा भी। तो हाई अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश के भी कुछ बड़े इलाकों में और कहा गया है कि अगले 3 घंटों में हिमाचल प्रदेश में भी पड़ सकते हैं ओले और दिल्ली एनसीआर में 28 मई तक मौसम अपना मिजाज बदल सकता है। बताया गया है कि मौसम 28 मई तक दिल्ली एनसीआर के कुछ बड़े इलाकों में सुहाना रह सकता है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है दिल्ली एनसीआर के इलाके वाले लोगों को। ये बात कही है मौसम विभाग के द्वारा, लेकिन एक भयंकर तूफान की चेतावनी हिमाचल प्रदेश में दी गई है मौसम विभाग के द्वारा। आपको बताए तो मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि दस्तक दे सकता है यहां पे मौसम अपनी भयंकर करवट के साथ। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा में पड़ सकते हैं ओले और इसके अलावा कुल्लू, बिलासपुर और हमीरपुर जिले में भी ओले गिर सकते हैं, ये संभावना बताई गई है। और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में 28 तारीख तक मौसम सुहाना रहने की बात कही गई है मौसम विभाग के द्वारा। मौसम विभाग ने कहा है कि आप सभी लोग हिमाचल प्रदेश वाले सावधान रहिएगा, क्योंकि थोड़ी सी चेतावनी है छोटी मोटी, लेकिन ये गंभीर भी हो सकती है आप सभी के लिए, क्योंकि ओलावृष्टि होने जा रही है प्रदेश भर में।
तो इस प्रकार से विभाग के द्वारा जो है मौसम की भविष्यवाणी की गई है और कुछ बड़े इलाकों के लिए बात कही गई है कि चपेट में आ सकते हैं तूफान के, और सभी को हाई अलर्ट के तहत रखा गया है सावधान। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट मौसम विभाग की तरफ से, वेदर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि आप सभी के लिए निकल के आई थी और आप सभी को सावधान रहने को कहा गया था तकरीबन 28 मई तक, जो कि दिल्ली NCR के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। और इसके अलावा यहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भयंकर चेतावनी जारी की गई। तो यह थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट, जिससे आपको रहना है सावधान और बच के रहना है इस तूफान से। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपना सपोर्ट जरूर दीजिए, जिसके लिए आपको वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करना होगा और फिर आगे से आगे इस वीडियो को भेजना होगा, ताकि यदि आपके इलाके में नहीं आ रहा यह तूफान तो और किसी के इलाके में आ रहा होगा यह तूफान। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, आगे से आगे भेजिए, ताकि औरों को भी ये जानकारी मिल सके और वह इस तूफान से पहले ही सावधान हो सके। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। और दोस्तों हमारे इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो भी हो जानकारी मौसम बाकी वह सबसे पहले देखने को मिल जाए और आप मौसम के अपडेट से सबसे पहले सावधान हो सके। दोस्तों यही थी आज की सबसे बड़ी मौसम बाकी रिपोर्ट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं फिर से कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।